हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से जल का संरक्षण कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओकवा वन विभाग के द्वारा क्षेत्र में रैली निकालकर दिया गया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। ओकवा वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए रैली निकालकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। वन परिच्छेद ओकवा के सभी कर्मचारी अधिकारी के द्वारा शपथ ग्रहण में पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक और लोगों को जागरूक करने हेतु शपथ ली गई। इस संबंध में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए कर्मचारियों द्वारा एक रैली निकाली गई। रैली उकवा से प्रारंभ होकर जगनटोला, रूपजार, चिखला जोड़ी, दीनाटोला, खमरिया, डोरा, सिंगे, लीलामेटा, गुदमा होते हुए उकवा बस स्टैंड पहुंची, जहां ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जानकारी दी गई। इस रैली में वन परिच्छेद अधिकारी उकवा नितेश धुर्वे, राजेंद्र कुमार गणवीर, सहायक परिच्छेद अधिकारी सूरज लाल कटरे, विनोद कुमार चौरे, राजेश रोकड़े, बंजारी ठाकरे, कमलेश मसराम, सचिन पद्मे, विजय सातूनकर सहित अन्य की उपस्थिति रही। नमस्कार, मेरा नाम नितेश दुर्वे है। रेंजर के ऊपर पदस्थ हैं यहाँ पर बालाघाट में। आज हम लोग वन विभाग की तरफ से भारत सरकार की एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इसके तहत आज हम लोगों को जागरूक करने के लिए आज हमारे के आसपास के ग्रामीण इलाकों में रैली की गई। इसके तहत हम लोगों से अपील करते रहे, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें, हम लोग किस तरह से जल का संरक्षण कर सकते हैं, जल को किसी कोने से रोक सकते हैं, बिजली किस तरह से हम लोग को बचाना चाहिए, बच्चों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, हमको अपने लाइफस्टाइल में किस किस तरह से चेंज करना चाहिए ताकि आने वाले हम लोग जो इन्वायरमेंट के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना कर सकें। तो इसी कड़ी में आज हम लोगों ने रैली निकाली। साथ ही साथ हम लोग अपने जो वाटर बॉडीज़ हैं, नदियाँ हैं, जैसे कि नहरा नदी है, उसके आसपास हम लोगों ने जो प्लास्टिक वेस्ट जो भी वेस्ट है उसको कलेक्ट किया है। तो हम आशा करते हैं कि हमारी रैली का लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, वो अपने छोटी छोटी आदतों में सुधार लाकर हमारा जन सहयोग से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।